हेलो फ्रेंड, सेंगविन कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने क्लास 10th का सेकंड चैप्टर जो पोएट्री से रिलेटेड है, जिसका नेम फायर एंड आइस है, उसे लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो इसके राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं। तो हम बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस पोएट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो अलग अलग विचारधारा के लोगों के बारे में कवि की इस पोइट्री का वर्णन है, जहाँ पे लोग अपने अपने मत के बारे में क्या सोचते हैं कि मतलब इस धरती का विनाश किस तरीके से होगा, उसी के बारे में यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं। सो लेट स्टार्ट आवर स्टैंजा फर्स्ट। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का यह मानना है कि पृथ्वी का विनाश या हमारे वर्ल्ड का विनाश जो होगा वह आग की वजह से होगा, सम से इन आइस। और कुछ लोग कहते हैं कि इसका विनाश यानी इसका खात्मा जो होगा बर्फ़ की वजह से होगा। फ्रॉम वाट आई हैड टेस्टेस ऑफ डिज़ायर। जहाँ तक विचारों की बात है, इच्छाओं की बात है, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। मैं उनका समर्थन करता हूँ जो आग का समर्थन करते हैं। यहाँ पे फायर, फायर का मतलब होता है क्रोध, लालच, यहाँ पे इससे कंपैरिजन किया गया है। और आइस का कंपैरिजन हमारे घृणा शब्द से किया गया है। ओके, तो हम दूसरे स्टेंजा की तरफ चलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से इसको देखते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का यह मानना है कि संसार का अंत आग की वजह से होगा, सम से इन आइस। कुछ लोग यह मानते हैं कि इसका अंत आइस यानी बर्फ़ की वजह से होगा। फ्रॉम वाट आई हैड टेस्टेस ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो जहाँ तक इच्छाओं का सवाल है या मेरा मानना है, तो मैं उनका समर्थन करूँगा जो आग का समर्थन करते हैं। मीन्स यहाँ पे कभी जो है आग के समर्थन करने वाले लोगों के साथ हैं। स्टेंजा सेकंड है हमारा। कह रहे हैं कभी कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। अगर इसका अंत दो बार होना हो, कभी कहते हैं कि अगर हमारे संसार का अंत दो बार होना हो, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। तो मैं घृणा को भी बहुत अच्छे से समझता और जानता हूँ, या जहाँ तक मैं घृणा के बारे में जानता हूँ, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। जहाँ तक मुझे हेट यानी घृणा के बारे में पता है, टू से दैट, तो ऐसा कह सकते हैं फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। तो यह घृणा भी क्या होता है, विनाश के लिए। डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है रियून, हाँ, तो विनाश के लिए यह भी पर्याप्त है एंड वुड सफाइड। सफाइड मीन्स होता है बी सफिशियंट, मीन्स पर्याप्त। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइड। तो यह बर्फ़ जो है यानी हीट जो है, यह भी संसार के विनाश करने के लिए पर्याप्त है। तो फिर से इसको देखते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इसका अंत यानी संसार का अंत दो बार होना हो, आई थिंक आई न्यू एनफ ऑफ हेट। तो मुझे जहाँ तक हेट के बारे में पर्याप्त रूप से पता है, टू से दैट द डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइड। तो बर्फ़ भी इस संसार का अंत करने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे हम कुछ वर्ड मीनिंग के बारे में देख लेते हैं। जैसे बट मीन्स आपको पता है पेरिस, पेरिस मीन्स होता है डाई और डिस्ट्रॉय, मीन्स मृत्यु या विनाश। ट्वाइस मीन्स होता है दो बार, एनफ मीन्स पर्याप्त, हेट मीन्स घृणा, थिंक मीन्स सोचना, डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है विनाश यानी रियून, एंड हमारा जो सुफाइस है इसका मतलब होता है बी सुफिशियंट यानी इसका मतलब भी पर्याप्त होता है। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि और भी क्लास 10th के विद्यार्थियों को हेल्प मिल सके इस स्टेंजा को और इस चैप्टर को तैयार करने के लिए। थैंक यू।